डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का। टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये टॉपिक बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स वगैरह आते हैं उनका नाम लिखना, उनका फार्मूला समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरी बात कि इस सेक्शन से जो आज हम पढ़ने वाले हैं जेई मेन के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इस आज के लेक्चर से, तो कम से कम एक क्वेश्चन ये आपको दिख के जाएगा टॉपिक। ठीक, उसके अलावा जेई एडवांस में अगर अपन रिसेंट कुछ इयर्स के क्वेश्चन देखें तो इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं कि हाउ मेनी विच कंपाउंड्स ऑफ विच ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैज एसएस बॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए 5-6 एसिड दे दिए हैं, उनमें से पहचानना है कि कितने ऑक्सी एसिड में एसएस बॉन्ड होता है, या किसी कंपाउंड ने पूछ लिया कि किसमें पीपी बॉन्ड होता है या किसमें पीओपी बॉन्ड होता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में भी देखने को मिले हैं लास्ट 5 ईयर्स में। ठीक, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज डील करने वाले हैं, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डील करते हैं वो सॉल्ट के बारे में हम डील करते हैं, और हमें ये पता है कि सॉल्ट आर मेड ऑफ केटायन एंड एनायन। तो किसी भी सॉल्ट का जो नेमिंग हम करते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि केटायन का नेमिंग और दूसरा है एनायन का नेमिंग। ठीक, तो सबसे पहला जो चीज हम करने वाले हैं अभी वो है नेम ऑफ केटायनिक पार्ट। केटायनिक पार्ट, जैसे आप समझ ही चुके हैं कि केटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब केटायनिक पार्ट में ये होता है कि इट जनरली एंड्स विद ईएम। ठीक है, ज्यादा अगर केटायन के नाम के अंत में क्या चीज आता है, ईएम। ठीक, जैसे एग्जांपल सोडियम, हमें सबको पता है एनए प्लस इज अ केटायन। अमोनियम, हमें सबको पता है कि NH4 प्लस इज अमोनियम। ठीक है, तो इट एंड्स विद द ईएम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, केटायन के बारे में। अब केटाइन के बारे में ज्यादा नेमिंग का नहीं है, मेन हमें जो है वो सीखना है एनायनिक पार्ट का नेमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एनायनिक पार्ट। तो जो एनायंस है जनरली एंड्स विद, तीन तरह के एनायनिक पार्ट होते हैं, या तो वो एंड करते हैं आइड से, या एंड करते हैं एड से, या एंड करते हैं आइड से। ठीक है, यानी कि आइड, या फिर नाम के अंत में आता है एड, या फिर आता है आइड। ठीक है, कब कब आता है ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करते हैं आइड कब आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पे कि फ्लोराइड। ठीक, तो F- माइनस इज फ्लोराइड, Cl- माइनस क्लोराइड, I- माइनस आयोडाइड, Br- माइनस ब्रोमाइड, O- माइनस टू ऑक्साइड, O2- माइनस टू पेरोक्साइड, O2- माइनस सुपर ऑक्साइड, S माइनस टू सल्फाइड, Se माइनस टू सेलेनाइड, Te माइनस टू टेलुराइड, N माइनस थ्री नाइट्राइड, N थ्री माइनस एजाइड, P माइनस थ्री फोस्फाइड, C माइनस फोर कार्बाइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, SH माइनस बाईसल्फाइड, CN माइनस साइनाइड। अब अपन आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है नेमिंग ऑफ ऑक्सो एनायंस। ठीक है, ऑक्सो एनायंस आर एनायन जनरेटेड फ्रॉम ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड हम किसको बोलते हैं, ऑक्सी एसिड का जिसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ऑक्सी एसिड इज H2SO4। ठीक है, H2SO4 एसिड है बिकॉज इट कैन फर्निश H+ आयंस, और ऑक्सी एसिड इसलिए है बिकॉज जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वही ये रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये रिलीज होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इसलिए हम इसे ऑक्सी एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर ये हाइड्रोजन दोनों दे देता है, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन निकाल के ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4-2 में। ठीक है, हमें इसी को क्या बोलना है, ऑक्सो एनायन। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ द ऑक्सो एनायन। तो सबसे पहला चीज जो है वो है कि इफ नेम ऑफ एसिड एंड्स विद इक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिड के नाम के अंत में यदि इक आता है तो जब हम उसे H+ हटा देंगे सारे, ठीक है, तो उसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा, एट। जैसे फॉर द एग्जांपल H2SO4 इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। नाम पे ध्यान दीजिएगा, नाम के अंत में आ रहा है इक। अगर मैं इससे दोनों H+ हटा दूं तो मेरे पास बनेगा एनायन ऑक्सो एनायन SO4-2, और इसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा, एट।
यानी कि हम इसे बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, तो ई के एसिड से क्या बनता है, एट। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक से सल्फेट। ठीक है, दूसरा रूल यह है कि यदि नाम के अंत में नेम ऑफ एसिड एंड्स विद अस, अगर एसिड के नाम के अंत में अस आता है और हम उससे एनायन बनाएंगे तो उसके नाम के अंत में आ जाएगा आइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, आइट। ठीक, जैसे फॉर द एग्जाम्पल H2SO3 इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड, नाम के अंत में क्या आ रहा है, अस। अगर मैं इसे दोनों H प्लस हटा दूं तो एनायन ऑब्टेंड इज SO3-2 और एनायन का नाम में अंत में आ जाएगा आइट, यानी सल्फ्यूरस से सल्फाइट आयन हमें मिल जाता है। ठीक, तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है, इक से बनेगा एट और अस से बनेगा ये आइट। ठीक, अब हम अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज जो है वो है कि नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड एनायंस। ठीक, अब नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड एनायन में अब सबसे पहला जो मैं देख रहा हूं कि अगर किसी एलिमेंट के लिए ओनली वन ऑक्सी एसिड पॉसिबल हो, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं H3BO3, H3BO3 इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसे 3H+ हटा देता हूं, ठीक है, तो एनायन जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा BO3-2। नाम क्या लिखना है मुझे, क्योंकि एसिड के नाम के अंत में इक आ रहा है तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, 8, यानी बोरिक एसिड से मिला बोरेट आयन। ठीक है, आयन में लिख नहीं रहा हूं यहां पे, समझ जाइएगा आप, आयन है, चार्ज है, तो वो आयन कहलाएगा। तो बोरिक एसिड से जो मुझे मिला वो क्या मिला, बोरेट आयन। ठीक है, अब बोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बोरोन इज ए सेंट्रल एटम और तीन OH ग्रुप इसके पास होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं ये तीनों H+ हटा दूं तो मुझे बोरेट आयन मिल जाएगा। अब एक बोरिक एसिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज ये है कि इट इज नॉट ऑरेनियस एसिड। ऑरेनियस एसिड हम किसको बोलते हैं, जो H+ दे सकते हैं। तो फिर जब ये H+ नहीं दे सकता तो हम इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि बोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं, बोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनाता है कॉम्प्लेक्स BOH4- और साथ में H+ अलग दे देता है, क्योंकि H+ तो आ रहा है पानी में, H+ बढ़ा रहा है तो एसिड तो कहलाएगा, लेकिन ये H+ खुद से नहीं दे रहा है, ये वाटर से OH- खींचकर और वाटर का H+ अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोरिक एसिड को क्या नाम देते हैं, बोरिक एसिड इज लुईस एसिड। ठीक, ये चीज आपको पता लग गई। अगले एसिड पे हम आ जाते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हम किसको बोलते हैं, H2CO3 को। ठीक है, स्ट्रक्चर में बना रहा हूं इसका, C(OOH)OH। ठीक है, यदि हम दोनों H+ हटा देते हैं, कार्बोनिक एसिड के दोनों H+ हटा देते हैं तो आयन मुझे मिल जाएगा कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बोनिक है, क्या एसिड है, कार्बोनिक, तो इक हटा के लास्ट में क्या आ जाएगा, 8, तो कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट आयन। अब यदि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके दो ऑक्सी एसिड्स हो, ठीक है, तो ध्यान रखना है ऊपर वाला एसिड इक और नीचे वाला एसिड होगा अस, ऊपर वाला इक और नीचे वाला अस। ऊपर वाले का मतलब क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसमें इक और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे आएगा अस। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके दो एसिड जो है वो पॉसिबल है, सल्फर के दो एसिड पॉसिबल है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फर इज इन +6 स्टेट विच इज हायर और इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अब हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ गिवन बाय एसिड। ठीक, तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि H2SO4 विल फर्निश 2H+ आयंस, सो इट्स बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। बेसिसिटी इसकी 2 है, ठीक है, 2H+ ही दे सकता है। ठीक है, और ये आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक है, ये किसमें आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक, इससे जो आयन बना हुआ ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इस आयन ये फर्निश करेगा सल्फेट आयन SO4-2। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस का फार्मूला है H2SO3, स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसका, ठीक है, एक ऑक्सीजन हटा दे वहां से अपन तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है, अगर हम इससे दोनों H+ हटा दें, ठीक है, तो ये आयन बना देगा SO3-2
और नाम चूंकि अस आ रहा है सल्फ्यूरस में, तो इस आयन का नाम हो जाएगा सल्फाइट। तो अस से, अस से क्या लिखा मैंने आइट, ठीक है, ठीक है। इक से मैंने क्या लिखा एट, ठीक है। ये बार बार आपको मैं बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। अब हम आ जाते हैं थ्री ऑक्सी एसिड्स पे। किसी एलिमेंट के तीन ऑक्सी एसिड मान लो यदि है, ठीक है, तो उसमें अपन को क्या करना है कि जो हाईएस्ट वाला है वो आएगा इक, उसके नीचे वाला आएगा अस, और फिर उसके जस्ट नीचे आ जाएगा हाइपो अस, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। नाइट्रोजन का केस लेता हूं मैं, सबसे पहला एसिड है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से H+ हटा दें तो नाइट्रेट आयन बनता है NO3-। स्ट्रक्चर है इसका इस तरीके से, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, HON डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ लिया। ये एक्चुअली एक H दे सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनो बेसिक। यदि कोई दो H+ दे सकता है तो फिर उस केस में हम उसे क्या नाम दे देंगे, डाई बेसिक। दो H+ देने वाले को डाई बेसिक और तीन देने वाले को ट्राई बेसिक। तो अब नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये +5 स्टेट में है, ठीक है। इससे जस्ट कम में आगे +3 में, +3 वाला एसिड है नाइट्रस एसिड, फार्मूला है HNO2, ठीक है। अगर हम इससे H+ निकाल लें तो NO2- बनता है विच इज कॉल्ड एस नाइट्राइट आयन, ठीक है। अब इसके इससे और लोवर आ जाए हम तो +1 स्टेट में जो इसका संभव है वो है हाइपोनाइट्रस एसिड। +1 में क्या संभव है इसका, हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। हाइपोनाइट्रस एसिड का जो फार्मूला है वो है, ठीक है ना, वैसे तो इसका क्या होना चाहिए था, HON या HNO बोल दूं मैं, पर HNO डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमर फॉर्म। ये क्या करता है, ये आ जाता है डाइमर फॉर्म में, तो डाइमर फॉर्म में क्या बना लेता है H2N2। स्ट्रक्चर इसका N डबल बॉन्ड N, हर N से जुड़ा OH, हर N से जुड़ा OH, ठीक है। यानी कि दो OH है तो दो H+ दे सकता है, इसका मतलब दिस इज डाई बेसिक एसिड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर हम ये दोनों H+ हटा ले तो इससे आयन बनेगा N2O2-2, ठीक है। और चूंकि इसका नाम हमने क्या लिखा था, इसका नाम हमने लिखा था हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है, तो हाइपोनाइट्रस एसिड से एनायन जो बनेगा उसका नाम आ जाएगा हाइपोनाइट्राइट, ठीक है। तो वर्ड शुरू में क्या लग जाएगा, हाइपो, और बाद में एनायन जो है ऐसा का ऐसा अस से क्या बन जाएगा, आइट, हाइपोनाइट्राइट, ठीक। चलिए अब इसके बाद फास्फोरस का ले रहे हैं हम। फास्फोरस का जो एक एसिड सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे पहला +5 स्टेट में, वो है H3PO4। H3PO4 इज कॉल्ड एज फास्फोरिक, ठीक है। फास्फोरिस के H+ निकाल दें अपन फास्फोरिक के, तो फॉस्फेट आयन बनेगा PO4-3 आयन, ठीक है। तो ये है PO4-3 आयन। स्ट्रक्चर इसका फास्फोरस से डबल बॉन्ड हो और तीन OH ग्रुप इसके साथ लगे हुए होते हैं इस तरीके से। इसका मतलब तीन H+ दे सकता है तो दिस इज ट्राई बेसिक। तीन H+ देने वाला ट्राई बेसिक। जस्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए +3 में, ठीक है, तो लोअर में ये इक से आ जाता है अस पे, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला इक जैसा मैंने बताया, उससे कम अस और फिर हाइपो अस, हाइपो अस। तो फास्फोरस जो है उसका फार्मूला है H3PO3, ठीक है। इससे जो आयन बनेगा, तीनों H+ हटा दूं मैं तो PO3-3 होगा, इसको हम बोलेंगे फॉस्फाइट, फास्फोरस से फॉस्फाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका फास्फोरिक में एक OH को हटाकर उसकी जगह H रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा फास्फोरस। बाकी दो OH ऐसे कैसे ही है, दो OH दे सकता है, दो H दे सकता है, इसे डाई बेसिक इसे कहेंगे हम, ठीक है, डाई बेसिक एसिड ये कहलाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अलग क्यों नहीं होता है, ठीक है। कारण ये होता है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस बॉन्ड इज पोलर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन को इजीली पॉजिटिव चार्ज करके अलग कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना ज्यादा आवश्यक है हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में अलग होने के लिए। लेकिन यदि हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, तो फास्फोरस इज नॉट केपेबल टू विड्रॉ दिस हाइड्रोजन, टू एलिमिनेट दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ H+। अब हम इसके नीचे वाले स्टेट पे आ जाए +1 स्टेट में, ये बनाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फार्मूला H3PO2। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा चेंज, कि पहले फास्फोरिक में तीन OH थे, उन तीन OH में से दो OH हटा के H रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है।
लेकिन एच प्लस तो एक ही दे पाएगा, इसलिए मोनो बेसिक ये कहलाएगा। ठीक है, ये मोनो बेसिक कहलाएगा। अगर मैं इसका एनायन देखूं पीओ टू माइनस थ्री, तो हाइपोफोस्फाइट आयन इसको हम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोफोस्फाइट आयन। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं किस चीज पर। ये हमारा हो गया मोनो बेसिक। ठीक है, अब अगर किसी में चार ऑक्सी एसिड पॉसिबल है, किसी एसिड में चार ऑक्सी एसिड पॉसिबल है, ठीक है, तो सबसे पहला ऑक्सी एसिड, अब इसमें चार अगर संभव है तो पहले तो आएगा पर इक, दूसरा आएगा लोअर में इक, फिर तीसरा अस, और फिर लास्ट वाला हाइपो अस। ठीक है, तो हाईएस्ट वाला पर इक, उससे कम इक, उससे कम अस और हाइपो अस। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं पर क्लोरिक एसिड HClO4। अगर मैं इसे H प्लस हटा दूं तो ये बना देगा पर क्लोरेट आयन। ठीक है, इक से एट। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं पर क्लोरिक एसिड का, तो HOCl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन ही अलग कर सकता है इजी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑक्सी एसिड, उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मानने की वजह कि यहां माइनस आई इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है, तो ये एच प्लस को बहुत इजीली डिटेच कर देता है। ठीक, पर क्लोरिक के बाद अगला फार्मूला है HClO3, जिसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसका एच प्लस हटा दूं तो ये आयन बन जाएगा क्लोरेट आयन ClO3-। क्लोरिक एसिड का फार्मूला HOCl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन हट गया और उसकी जगह लोन पेयर लगाना है अपन को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्लोरस एसिड में। क्लोरस एसिड HClO2। ठीक है, इसको जो है मैं क्लोरस थोड़ा सा जो है इसको मैं क्लोरस ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, चलो अगर इसे आयन बनाया जाए तो ClO2 माइनस और इसका नाम क्लोराइट, तो अस से आइट। ठीक है, ये क्लोरस एसिड हो गया प्लस थ्री स्टेट में। ठीक है, इससे और नीचे आ जाए अपन। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर देख लें इसका, HOCl डबल बॉन्ड हो और दो ऑक्सीजन हट के उनकी जगह दो लोन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास दो लोन पेयर आ गए। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है ये वाली चीज। ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस वन स्टेट में। ठीक है, HClO, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इसका एनायन ClO माइनस कॉल्ड एस हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोरस से हाइपोक्लोराइट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका HOCl और तीन लोन पेयर इसके ऊपर हमें बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये हमने क्लोरीन के जो है वो मॉलिक्यूल देख लिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है पायरो एसिड। ठीक, पायरो एसिड। ठीक है, अब देखिए पायरो एसिड जो होता है, पायरो एसिड कब होता है, जब यदि दो एसिड मॉलिक्यूल मेरे पास है, एसिड के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास, दो। ठीक है, अगर मैं दो एसिड मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा देता हूं और यदि इससे न्यू एसिड बनता है, तो न्यू एसिड क्या कहलाता है, पायरो एसिड। ठीक, जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिया H3PO4। ठीक है, H3PO4 जो है ये एक मॉलिक्यूल लेकर, दो मॉलिक्यूल लेकर इसमें से एक वाटर एलिमिनेट करवाने पर, तो अब आप कैसे सोचोगे, दो मॉलिक्यूल ये है तो हाइड्रोजन इसमें 6 हुए, फास्फोरस 2 हुए, ऑक्सीजन इसमें 4 हुए, इसमें से दो हाइड्रोजन कट करने हैं, एक ऑक्सीजन कट करना है। ठीक है, बचेगा क्या, H4P2O7। ठीक है, H4P2O7 जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बना रहा हूं फॉस्फोरिक से, अगर मैं इसको बना रहा हूं फॉस्फोरिक से तो ये आ जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, नाम के जो है आगे क्या लग जाएगा, पायरो वर्ड, तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यदि मैं इसके चारों हाइड्रोजन हटा देता हूं तो एनायन बन जाएगा P2O7-4 और इसका नाम पायरो फॉस्फोरिक से ये नाम इसका क्या बन जाएगा, पायरो फॉस्फेट आयन, नाम क्या बन जाएगा, पायरो फॉस्फेट आयन P2O7-4। ठीक है, तो एक एसिड से क्या बन जाएगा, 8 एसिड। ठीक, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो समझ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि दो, ये एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक का, तीन ओ एच इसके पास और तीन ओ एच इसके पास, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आस पड़ोस में आएंगे
और इनके दो OH जो है वो नजदीक आ जाएंगे। तो होता क्या है कि दो OH में से एक वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। देखिए समझिए इस बात को कि ये HO, तो होता क्या है कि यहां से एक वाटर का एलिमिनेशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, HO, ठीक है, P डबल बॉन्ड O ऊपर, ये OH, ठीक है, इन ऑक्सीजन के फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड O, OH और ये OH। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता लग गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड का। ये कितने H प्लस दे सकता है, OH इसमें दिख रहे हैं आपको चार, तो ये जो है चार H प्लस दे सकता है। तो बेसिक सीटी अगर इसकी पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, फोर। अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है, तो पीओपी बॉन्ड जो है इसमें वन है। अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर, तो इसमें पीपी बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, तो उसकी संख्या जीरो, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला एसिड हम आते हैं, अगला एसिड कौन सा है, पायरो फास्फोरस एसिड। अगर मैं दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल देता हूं तो जैसा मैंने समझाया वैसे हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे H4P2O5। इसके नाम के शुरू में आ जाएगा पायरो वर्ड, पूरा नाम पायरो फास्फोरस एसिड। फॉर्मूला कैसा बनाएंगे हम कि यहां पे ये एक मॉलिक्यूल फास्फोरस, ये दूसरा मॉलिक्यूल फास्फोरस, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो फार्मूला आपको दिख रहा है पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके बीच में एक ऑक्सीजन, फिर पी यहां से डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पे ओ एच और ये एच, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसके सारे, अच्छा कितनी बेसिसिटी इसकी, दो ओ एच दिख रहे हैं आपको, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू टू। तो इसका एनायन जो है सारे H प्लस हटाने के बाद, ठीक है, अगर मैं ये इस कंपाउंड से चार H प्लस हटा दूं, चारों हाइड्रोजन बना दूं, तो एनायन बनता है P2O5-4। और इसका नाम चूंकि ये बन रहा है पायरो फॉस्फोरस से, चूंकि ये बन रहा है पायरो फॉस्फोरस एसिड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फाइट। तो जब भी पायरो फॉस्फाइट बनाना होगा आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो पायरो फॉस्फोरस एसिड बनाओगे। और पायरो फॉस्फोरस एसिड कैसे बनाओगे, दो फास्फोरस में से एक वाटर का एलिमिनेशन करके। ये ट्रिक है ये कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एनायन अगर सोचना है तो हमें ओरिजिनली घूम के जाना पड़ेगा पायरो फॉस्फोरस एसिड पर। अब आ जाते हैं अपन बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला बचता है H4B2O5, ठीक है। इस बोरिक एसिड के नाम के शुरू में क्या लग जाएगा, पायरो वर्ड। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सेम तरीका है, हर बोरोन के पास तीन OH है, दो OH नजदीक आए, ये वाटर का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए अगला अपन आ जाते हैं सिलिसिक एसिड पर। सिलिसिक एसिड जो है H4SiO4 होता है, या इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो कि मतलब स्ट्रक्चर ये है, हर सिलिकन पे जो है वो चार OH लगा दो, ठीक है। अब जब ये दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो दो OH ग्रुप मिलकर एक वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे, ठीक है, और कंपाउंड बचेगा H6SiO7। इसके नाम के शुरू में क्या लगा देंगे, पायरो, पूरा नाम पायरो सिलिसिक एसिड, ठीक। और अगर मैं इसके H प्लस हटा दूं, सारे हाइड्रोजन हटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा Si2O7-6। इस कंपाउंड का, इस आयन का नाम हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड है पायरो सिलिसिक एसिड, तो ये बन जाएगा पायरो सिलिकेट एसिड, ठीक है। एक से क्या बनता है, एट, ठीक है, और पायरो सिलिसिक एसिड से जनरेट कर रहे हैं इसलिए पायरो सिलिकेट आयन, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता लग गया, ये मैंने यहां से एक वाटर का एलिमिनेशन करवाया इसमें, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है, अगर आप देखो देखना चाहो तो अपन इसको कंपाउंड कैसे बोल देते हैं, लिख देते हैं HOSI, ठीक है, OH OH, और दो OH से एक वाटर एलिमिनेशन हुआ इस तरीके से, ये OH और फिर उसके बाद यहां पे OH, ये OH, ये हो गया पायरोसिलिसिक एसिड, ठीक। बेसिसिटी अगर पूछी जाए तो बेसिसिटी इसकी जो है वो 6 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कितने OH ग्रुप है, यहाँ पे टोटल 6 OH ग्रुप है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, बेसिसिटी इज 6, ठीक। अब पायरोसिलिसिक एसिड के बाद अगला जो हम लेने वाले हैं ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया H2SO4, ठीक है, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाला, बचा H2S2O7, इसका नाम आ जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें से अगर मैं H निकाल दूं सारे तो ये बन जाएगा H2O7-2 और एनायन का नाम होगा पायरो सल्फेट आयन, 1 से 8, ठीक। स्ट्रक्चर सोचना है तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, एलिमिनेशन कराया मैंने वाटर का, ठीक है,
तो स्ट्रक्चर आपको पता लग गया, HOS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एक बीच में, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH। बेसिसिटी दो H ग्रुप दिख रहे हैं आपको, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2। इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी SOS बॉन्ड्स आर देयर, तो SOS बॉन्ड कितने लिखोगे, 1। क्या इसमें SS बॉन्ड है, तो आंसर जो है 0, ठीक है ना, देयर इज नो SS बॉन्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, वो है सल्फ्यूरस एसिड यदि दो मॉलिक्यूल लेकर वाटर निकाल दें तो बनेगा H2S2O5। इसके नाम के शुरू में लग गया पायरो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड हो गया। अगर ये दोनों एच हटा दूं तो H2O5-2 जो आयन बना इसका नाम पायरो सल्फाइट आयन बन गया, अस्सेआइट। चलिए अब बच्चा यहां स्ट्रक्चर बनाते समय बिल्कुल जो अब तक मैं बता रहा हूं वैसे ही गलती करेगा, ठीक है, कि OH जो है दो OH पास में आए और स्ट्रक्चर उसने बना दिया HOS डबल बॉन्ड O, यहां O ऑक्सीजन, यहां बीच में डबल बॉन्ड O OH, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका रोंग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो रोंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पायरो सल्फ्यूरस के केस में हमें सावधानी की आवश्यकता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस चीज पे, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सही। तो सही स्ट्रक्चर है कि इसमें SOS बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें SS बॉन्ड पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, दो सल्फर लेकर उनके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में दो OH लगा देंगे, ठीक है, और किसी एक सल्फर पर दो ऑक्सीजन लगा देंगे डबल बॉन्ड से, एक सल्फर पर एक ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है H2S2O5 वाला, इसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कंपाउंड, ठीक। अब आ जाते हैं क्रोमिक एसिड पे, H2CrO4 इज कॉल्ड एज क्रोमिक एसिड। दो मॉलिक्यूल में से अगर मैं यहां पे वाटर निकाल देता हूं तो बनेगा H2Cr2O7। इसके नाम के शुरू में पायरो, पायरो क्रोमिक एसिड हो गया ये, ठीक है, और अगर इसके H प्लस हटा दूं मैं तो Cr2O7-2, ये आयन जो बना इसका नाम हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट आयन, ठीक। अब हम इसके बाद आ जाते हैं मेटा पर, मेटा एसिड, ठीक है, मेटा एसिड हम किसको बोलते हैं, ठीक है, मेटा एसिड जो है जिसे पायरो में दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकाला था हमने, तो पायरो नया एसिड बना था, वैसे ही अगर एसिड का वन मॉलिक्यूल ले लूं मैं और एसिड के वन मॉलिक्यूल में से अगर मैं यहां पे जो है एसिड का जो है वन मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, और इस एक वन मॉलिक्यूल में से एक वाटर मैं एलिमिनेट करवा लेता, तो जो नया एसिड बनेगा उस न्यू एसिड को हम क्या नाम दे देंगे, मेटा एसिड। मेटा एसिड की खासियत यह है कि ज्यादातर मेटा एसिड साइक्लिक या पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में मिलते हैं, यानी अकेले नहीं मिलते, मल्टीपल फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहला केस लेता हूं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के एन मोलिक्यूल में से एन वाटर मोलिक्यूल निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप तो एक ही मॉलिक्यूल पर ध्यान रखो, H3PO4 में से यदि वाटर निकल गया तो बनेगा HPO3 और N यहां बार लगा दिया क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म में, ठीक है, और चूंकि एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल रहे हैं इसलिए नाम के शुरू में मेटा फॉस्फोरिक लग जाएगा, तो HPO3 N जो है मेटा फॉस्फोरिक है। अब यदि मैं N3 ले लेता हूं, ठीक, यदि मैं N3 ले लेता हूं तो मेरे पास फार्मूला बना HPO3O3, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक तो है सी, ठीक है, ट्राई वर्ड पहले लग जाएगा क्योंकि 3 है, और साइक्लिक इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है कि ट्राई साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक में हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर, स्ट्रक्चर समझिएगा, एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल में 3 P लगाए मैंने, ठीक है, और हर पी के बीच में एक ऑक्सीजन लगाया, ठीक है, हर 2 P के बीच में एक ऑक्सीजन लगाया और हर पी के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें 3 OH दिख रहे हैं तो ट्राई बेसिक ही हो गया, इसमें अगर पीपी बॉन्ड देखें तो वो 0 हो गए, ठीक है, और अगर पीओपी बॉन्ड देखें तो पीओपी बॉन्ड की संख्या आपको दिख रही है स्ट्रक्चर में कितनी होगी, 3। तो ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, बेसिसिटी इज 3, पीपी बॉन्ड्स आर 0, पीओपी बॉन्ड्स आर इक्वल टू 3। अब हम एनएक्स स्ट्रक्चर पर आते हैं, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड के
एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो बचेगा HPO2। N लगा दिया हमने यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, नाम के शुरू में क्या आ गया, मेटा। ठीक है, वैसे ही मैं बोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दूं तो बचेगा HBO2। N लगा दिया, ये हो गया मेटा बोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही मैं सिलिसिक एसिड ले लूं H4SiO4, इसमें से एक वाटर निकाल दूं तो बचेगा H2SiO3। N लगा दिया तो मेटा सिलिसिक एसिड। ठीक है, ये चीज हमने ये बोली। अब एक दूसरी चीज पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ऑर्थो एसिड, किसी एसिड के नाम के पहले ऑर्थो कब लगता है? अगर उस एसिड का मेटा पॉसिबल होता है देन ओनली वी कैन कॉल इट एज ए ऑर्थो एसिड। जैसे एग्जांपल, अभी हमने जस्ट देखा है H3PO4 का मेटा पॉसिबल है, H3PO3 का मेटा पॉसिबल है, H3BO3 का मेटा पॉसिबल है, H4SiO4 का मेटा पॉसिबल। जिनके मेटा एसिड पॉसिबल है उनके नाम के शुरू में चाहो तो आप ऑर्थो लगा सकते हो। ठीक है, तो इनके नाम को मैं क्या बोल देता हूँ, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोसिलिसिक। ठीक है, तो ऑर्थो का सिग्निफिकेंस ये है कि जिनका मेटा है। अब H2SO4 इज नॉट कॉल्ड एज ऑर्थो बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म ए मेटा एसिड। अगर आप H2SO4 में से वाटर निकाल दोगे तो बच जाएगा SO3, इट इज नॉट एसिड। ठीक है, इसलिए चूंकि इसका नो मेटा एसिड इज पॉसिबल इसलिए इसको ऑर्थो नहीं बोलते हैं। मेटा हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक एसिड मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने हटा दिया। अब हम अगला बोलते हैं हाइपो एसिड। हाइपो एसिड जो है हम बना रहे हैं किससे, अस एसिड से। ठीक है, तो अगर हमारे पास अस एसिड है, पेरेंट एसिड। ठीक है, अगर अस एसिड है मेरे पास, ठीक है, तो अस एसिड में से एक ऑक्सीजन डिस्कार्ड कर दें, एलिमिनेट कर दें, नया जो एसिड बनेगा उसके नाम के शुरू में लगा देंगे हाइपो। जैसे फॉस्फोरस, H3PO3 में से एक ऑक्सीजन हटाया, बचा H3PO2, नाम आ गया हाइपोफॉस्फोरस। HClO2 हमने बोला था क्लोरस एसिड है। ठीक है, एक ऑक्सीजन हटाया, बचा HOCl, नाम आ गया हाइपोक्लोरस एसिड। H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड था, इसमें से एक ऑक्सीजन हटाया, H2SO2 बचा हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। HNO2 जो है वो नाइट्रस एसिड था, ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन हटाया, बचा HON, जिसका नाम हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड। लेकिन HON इज फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म यानी H2N2O2, जिसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड। ये स्ट्रक्चर में बना चुका हूं, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब दूसरा जो है हाइपो, अगर मान लो पेरेंट पाइरो एसिड है, ठीक है, तो पेरेंट पाइरो ईक एसिड से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा देता हूं तो ये हाइपो ईक एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पाइरो ईक कैसे बनता था, जब दो मॉलिक्यूल हम ईक के लेते थे और इसमें से एक वाटर निकालते थे तो जो एसिड बनता था वो पाइरो कहलाता था। इससे आप रिमूव कर दो एक ऑक्सीजन एटम तो जो नया एसिड बनेगा वो बन जाएगा हाइपोइक। न्यू एसिड क्या बन जाएगा, हाइपोइक। जैसे एग्जांपल, हमने लिया था H3PO4 दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक, ठीक है, वाटर निकाल के बन गया था पाइरोइक एसिड। ठीक है, पाइरोइक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन और निकाल दूं, पाइरो है H4P2O7, तो एक ऑक्सीजन निकालने पे H4P2O6 हो गया, नाम के शुरू में लग गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो पाइरो से बनता है हाइपो, कब बनता है, जब एक ऑक्सीजन हटा दिया। अब आपको पता है कि जब ये बनाया था मैंने, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर था HO, इसका स्ट्रक्चर था HOP डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, फिर बीच में यहां पे एक ऑक्सीजन, फिर P डबल बॉन्ड O और OH, ये OH, ठीक है, ये कौन सा था, पायरो। हम क्या करेंगे, POP बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है ये हटा देंगे, क्या बच जाएगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये बच जाएगा, तो इसका मतलब इसमें PP बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, ठीक है, PP बॉन्ड है, बेसिसिटी 4 OH है इसके पास। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी तो क्या आ जाएगी, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या इसमें PP बॉन्ड होता है, यस। क्या इसमें POP बॉन्ड होता है, नो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम दिमाग में रखेंगे, ऑक्सीजन बीच वाला हटा दिया हमने। अब सिलिसिक एसिड से दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकालकर बना पाइरोसिलिसिक एसिड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं हम क्या करेंगे, इसमें से एक ऑक्सीजन हटाएंगे, नाम बन जाएगा हाइपोसिलिसिक एसिड। ठीक है, और इसका फार्मूला H6SI2O6। ठीक है, ये भी वैसे ही है कि सिलिसिक एसिड से पाइरो जब बनाया तो
तो ये कंपाउंड बना था, ठीक है, हम क्या करेंगे इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो ये हाइपो में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से, हम वाटर निकालते हैं तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना था H2S2O7। मैं इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दूंगा तो H2S2O6 बन जाएगा, जिसका नाम कहलाएगा हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे था कि दो H में से एक वाटर निकाला था मैंने तो एक ऑक्सीजन आ गया था SOS बॉन्ड में, ठीक है। हम क्या करेंगे इसका एक ऑक्सीजन ये हटा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपो में। तो हाइपो का स्ट्रक्चर पता लग गया आपको कि दो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हटाने पे सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें पाया जाता है, दोनों तरफ दो H और हर ऑक्सीजन पर, हर सल्फर पर दो दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ठीक है, ये आपका हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिसिटी के बारे में पूछा जाए तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई, 2, क्योंकि दो H इसके पास है, ठीक। अब इसके बाद अपन आए कार्बोनिक एसिड, दो मोलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में से एक वाटर हटा दिया तो ये बन गया H2C2O5, जिसका नाम आ गया पायरो कार्बोनिक एसिड। यदि पायरो कार्बोनिक एसिड से एक ऑक्सीजन हटा दूं मैं तो ये बन गया हाइपो कार्बोनिक एसिड और ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड, मतलब इसका दूसरा नाम ऑक्सैलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड OH, राइट। अब हम आ जाते हैं पर या परोक्सी एसिड पर, ठीक है, कि किसी एसिड में परोक्सी कब आता है या पर कब आता है, ठीक है। तो नॉर्मली परोक्सी का मतलब ये होता है कि किसी में अगर दो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये लिंकेज जो है ये परोक्सी लिंकेज कहलाता है, ठीक है, तो ये परोक्सी लिंकेज है। अब परोक्सी एसिड कैसे बनाते हैं, यदि पेरेंट एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो आप तो नया एसिड क्या बन जाता है, परोक्सी एसिड। लेकिन पेरेंट एसिड कौन सा, ईक एसिड, मान लीजिए मैंने ईक एसिड लिया, ये तो जैसे फॉस्फोरिक था मेरे पास H3PO4, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो H3PO5 बन जाएगा, जिसका नया नाम हो जाएगा परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड के तीन OH होते हैं अपने पास, ठीक है, तो किसी एक OH में एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस कर दिया हमने तो ये बन गया परोक्सी लिंकेज और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। दो OH ऐसे कैसे, और एक OH में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके परोक्सी लिंकेज मैंने बना दिया ये, ठीक। नाइट्रिक एसिड में HNO3 में एक ऑक्सीजन जोड़ा, बना HNO4, और हम क्या करेंगे जो OH था उस OH के साथ एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे, ये परोक्सी लिंकेज इसमें आ गया, नाम बन गया इसका परोक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब आते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड पर, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में एक ऑक्सीजन जोड़ने पर H2SO5 बनेगा, एक OH में हम एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो ये बन गया परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा एक कॉमन नेम है केरो एसिड, कॉमन नेम इसका केरो एसिड है, तो ये चीज जो है वो क्या बन गई, परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड केरो एसिड। मेरे पास आया क्लोरिक एसिड HClO3, ठीक है, HClO3 अभी थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ा मैंने तो बन गया ये HClO4, इसको हम बोले पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, पर इसमें परोक्सी लिंकेज नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर HOCl डबल बॉन्ड O, तो पर का मतलब ये नहीं है कि परोक्सी लिंकेज होगा ही होगा, ठीक है, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो पर क्लोरिक एसिड क्योंकि ऑक्सीजन जोड़कर हमने इसे पर बना दिया, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट। अब आ जाते हैं अपन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बनाना सीख ही चुके हैं, दो एसिड मोलिक्यूल में से एक वाटर निकाला था सल्फ्यूरिक के। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में यदि एक ऑक्सीजन और जोड़ दे तो H2S2O8 जो है वो कहलाएगा परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा नाम पे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना कैसे, दो सल्फ्यूरिक से, तो दो सल्फ्यूरिक से तो इसलिए डाई वर्ड आ रहा है, ठीक है, और चूंकि पायरो में अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया तो पायरो से बन गया वो परोक्सी, तो परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका कॉमन नाम है मार्शल एसिड, ठीक है, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड O, यहाँ OH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से जो है ये पायरो हमने बनाया था, ठीक है, ऑलरेडी ये हम बना चुके हैं। हम क्या करेंगे, जो ये SOS है इसमें एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस कर देंगे बीच में, तो ये लिंकेज कौन सा आ गया, ये परोक्सी लिंकेज, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ किस पे, पायरोफॉस्फोरिक पे। H4P2O7 था हमारा स्ट्रक्चर, इसमें था POP बॉन्ड, ठीक है, हम क्या करेंगे एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर देंगे तो प्लस एक ऑक्सीजन ऐड करने पर बन जाएगा H4P2O8, और इसका नाम फॉस्फोरिक, दो मोलिक्यूल से अपन पायरो बना रहे थे तो डाई फॉस्फोरिक,
एंड पायरो इज रिप्लेस बाय परोक्सी, तो परोक्सी डाइस फॉस्फोरिलेशन। स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन यहाँ इंट्रोड्यूस किया बीच में, तो ये पीओपी बॉन्ड बन गया, पीओओपी बॉन्ड बन गया, ये परोक्सी लिंकेज इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और बाकी हर फॉस्फोरस से दो ओएच, यहाँ पे एक ओएच, इसकी बेसिसिटी दिख रही होगी आपको, चार ओएच है इसमें, तो बेसिसिटी इसकी चार होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पायरोसिलिसिक एसिड S6SI2O7, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे बनाना है, कि दो सिलिकन जो है सिलिसिक एसिड थे H4SiO4 के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मैंने निकाला तो बना पायरोसिलिसिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो बचा S6SI2O8 बन गया, इसको बोलते हैं परोक्सी डाइसिलिसिक एसिड। अच्छा, जब सिलिसिक एसिड बना था तो सिलिकन जो है बीच में एक आया था ऑक्सीजन, दो सिलिकन के बीच में हम एक ऑक्सीजन यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, और बाकी हर सिलिकन पे तीन तीन ओएच, तो बेसिसिटी इसकी दिखाई दे रही है आपको, छह ओएच है तो सिक्स, ठीक है। तो ये परोक्सी लिंकेज इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अपन लेते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम H2SO4 से एक ऑक्सीजन हटा दे और एक उसकी जगह सल्फर जोड़ दे तो आ जाएगा फार्मूला H2S2O3, इसी को बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो डिनोट्स फॉर सल्फर, ठीक है। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, एक ऑक्सीजन ये हटा के मैंने इसकी जगह क्या ला दिया, सल्फर, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इसके बाद अगर मैं इसे एनायन बनाऊं, H+ हटा दूं, तो ये बचेगा H2O3-2। ये एनायन थायोसल्फ्यूरिक से बना रहे हैं तो थायोसल्फेट आयन, तो ये थायोसल्फेट आयन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थायोनिक एसिड पे। थायोनिक एसिड का जनरल फार्मूला H2SN+2O6, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन छह और सल्फर वेरी करेगा, ठीक है। अगर मैं सल्फर दो रखता हूं, ध्यान देना ऑक्सीजन वही, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन सिक्स, तो सल्फर दो होने में डाइथायोनिक एसिड है। अगर सल्फर तीन हो जाएगा तो ट्राइथायोनिक हो जाएगा, चार हो जाएगा तो टेट्राथायोनिक हो जाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, SS बॉन्ड होता है, होता है, क्या SOS बॉन्ड होता है, नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दो सल्फर कनेक्ट किए, दोनों से दो OH जोड़े, ठीक है, और हर सल्फर पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, चार ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। ये बन गया डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। ट्राइथायोनिक एसिड में हाइड्रोजन दो ही रखने हैं, सल्फर तीन हो जाएंगे, ऑक्सीजन छह हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो यहाँ ये स्ट्रक्चर है इसमें एक सल्फर और बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ये ट्राइथायोनिक बन गया, ठीक है। टेट्राथायोनिक एसिड में हाइड्रोजन वही दो, सल्फर चार, ऑक्सीजन छह, हमें क्या करना है, ये तीन सल्फर आ रहे थे पहले, अब चार सल्फर कर देंगे, तो बीच में दो सल्फर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बन गया टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। अब आ जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा हमें पता है कि फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में से मैंने एक वाटर निकाला था, बना था HPO3, और N यहाँ पे हमने जो है पॉलीमर की फॉर्म की वजह से लगा दिया, ठीक है। यदि N2 है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है, बट ये नेचर में पाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर HPO3 ले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, JEE में क्वेश्चन आया हुआ था, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक है ना, ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक था, लेकिन चार आ गया तो बन जाएगा नाम साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही बोरिक एसिड से मेटा बोरिक एसिड था, ठीक है, मेटा बोरिक एसिड में एन था, ठीक है, तो यहां से जो है इस केस में अगर ये एन तीन ले लू मैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक, ठीक है, ट्राई तीन है, मेटा बोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, ठीक। फार्मूला साइक्लिक फॉर्म में लेते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, एक बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, हर बोरोन पर OH जोड़ देंगे, हर बोरोन पर OH जोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या बीबी बॉन्ड है इसमें, नहीं है। कितने बीओबी बॉन्ड है इसमें, होते हैं, कितने होते हैं, तीन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तीन OH है, तो बेसिसिटी इसकी तीन हो गई, ट्राई बेसिक कहलाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे, ठीक।
अब आ जाते हैं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड पे। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जो है वो H3PO4 फॉस्फोरिक होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि H3PO4 के दो मॉलिक्यूल में से यदि हम एक वाटर निकाल देते हैं, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल देते हैं तो H4P2O7 बचेगा। नाम के शुरू में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पायरो वर्ड लग जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब मैं आता हूं पॉलीफॉस्फोरिक में, यानी तीन मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, ठीक है। तीन मॉलिक्यूल में से यदि मैं दो वाटर निकाल दूं तो आप इसके फार्मूले से बना सकते हो बचेगा 5H3PO10। इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि तीन में से निकाल रहे हैं तो ट्राई वर्ड आ जाएगा और ट्राई पॉली फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक आपको पता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। OH होते हैं यहाँ पे, तीन OH होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपने तीन मॉलिक्यूल बनाए इसी तरीके से OH, ठीक है। यहाँ OH, ये OH, फिर इसके बाद POH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, ये OH, ये तीन फॉस्फोरिक ट्राई, ठीक है। अब आप जहां जहां दो OH नजदीक आ रहे हैं वहां वहां से दो वाटर हटा दोगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बचेगा, HOP डबल बॉन्ड O, ये OH, फिर ये ऑक्सीजन बीच में, P डबल बॉन्ड O, ये OH, फिर ये ऑक्सीजन, फिर P डबल बॉन्ड O, फिर OH, OH। अब आप गिन के देखो इसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी इसकी आपको OH कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी जो है कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें पूछ ले कि हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर, तो देयर इज नो पीपी बॉन्ड, इसका मतलब पीओपी बॉन्ड इसमें है। कितने पीओपी बॉन्ड है, तो पीपी बॉन्ड तो इसमें 0 है और पीओपी बॉन्ड इसमें कितने हैं, इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका हमने देख लिया है, ठीक। अब इसके बाद यदि मैं लेता हूं चार मॉलिक्यूल H3PO4 के, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं तीन वाटर निकालूंगा नजदीक लाके मॉलिक्यूल में से, चार में से एक बार तीन वाटर निकला बचेगा H6P4O13। पहले तीन में से निकाल रहे थे तो ट्राई वर्ड आ रहा था, चार में से निकाल रहे हैं टेट्रा वर्ड आ जाएगा। पोली इसलिए क्योंकि ज्यादा, एक से ज्यादा ले रहे हैं और फॉस्फोरिक से बना रहे हैं, इसलिए टेट्रा पोली फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को मैं जो है शॉर्ट में लिख देता हूं, हर फॉस्फोरस के साथ इधर कोने में दो OH लगा दूं, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये रेप्लिका करते जाओगे स्ट्रक्चर का इस तरीके से, ये P डबल बॉन्ड O OH, फिर यहाँ P O P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो चार फॉस्फोरस यूनिट, फॉस्फोरिक यूनिट थी, उसमें से दो तीन वाटर निकाल के मैंने यहाँ पे तीन पीओपी बॉन्ड बना दिए, ठीक है। और अगर पीओपी बॉन्ड पूछे तो कितने हैं, 3, पीपी बॉन्ड पूछे तो कितने हैं, 0, और बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई, बेसिसिटी 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे जस्ट यहाँ से एक OH और है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बेसिसिटी इसकी 6 हो गई, 6H+ ही दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं क्रोमिक एसिड पर। क्रोमिक एसिड जो है H2CrO4 को बोलते हैं। अगर इससे H+ निकाल दूं तो CrO4-2 बचेगा, दैट आयन इज कॉल्ड एज क्रोमेट आयन, ठीक है, दैट आयन इज कॉल्ड एज क्रोमेट आयन। H2MnO7 को बोलते हैं मैंगनीक एसिड। अगर H+ हटा दूं तो आयन बनेगा MnO7-2 और इस आयन का नाम है मैग्नेट आयन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम HMnO4, ठीक है। HMnO4 जो है पर मैंगनीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर इससे H+ एलिमिनेट करा दूं तो आयन बनेगा MnO4-, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन, ठीक है, MnO4- पर मैग्नेट आयन। साइनिक एसिड होता है HOCN को, ठीक है। इसमें से अगर मैं H+ निकाल दूं तो साइनेट आयन बन जाएगा, फार्मूला होगा OCN-। OCN- शोज रेजोनेंस और इसका स्ट्रक्चर दो है, N CO- या रेजोनेंस की वजह से N-CO, ठीक है, बिकॉज ऑफ द। अगर साइनिक एसिड में ऑक्सीजन को कट करके सल्फर इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगा HSCN। इस एसिड का नाम है थायोसाइनिक एसिड और इसका आयन HCN- थायोसाइनेट आयन कहलाता है। इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, N CS- या फिर N, यहां से ये इसको मैं इधर ले आऊं तो N और ये वाला इधर आ जाएगा रेजोनेंस है, तो N-CS, ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से। अगला स्ट्रक्चर है पॉलीसल्फाइड, ठीक है। पॉलीसल्फाइड जो है वो बोलते हैं SX-2 को, ठीक है। अगर X2 है तो S2-2 बोलूंगा, जिसका नाम हो जाएगा डाइसल्फाइड, S2-2 डाइसल्फाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंपल है इसका, SS दोनों पे -1, जैसे परोक्सी होता है वैसे,
आयरन हायर स्टेट में प्लस थ्री पाया जाता है, लोअर में प्लस टू पाया जाता है। हायर को बोलते हैं फेरिक और लोअर को बोलते हैं फेरस। ठीक है, कॉपर हायर में प्लस टू क्यूपरिक और लोअर में प्लस वन क्यूपरस। ठीक है, लेकिन क्यूपर कॉपर को कैसे लिखते हैं अपन, Cu2Cl, क्योंकि ये कंपाउंड CuCl2 तो मिलता है नेचर में। ठीक है, लेकिन CuCl नहीं मिलता, तो वो Cu2Cl2 के फॉर्म में मिलता है, इसलिए मुझे आयन कौन सा बना पड़ा, Cu2+2 क्यूपरस। लोअर अस हायर इक। ठीक है, हायर मर्क्यूरिक लोअर मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक का फार्मूला HG+2 और मर्क्यूरस का Hg2+2। कारण यह है कि Hg+1 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर इसको मैं बनाता हूं तो ये पैरा आना चाहिए, पैरा मैग्नेटिक, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट मर्क्यूरस इज डाया मैग्नेटिक, तो इसका स्ट्रक्चर डायमर की फॉर्म में बनाना पड़ा Hg2+2। ठीक है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड अगर बोल दिया जाए तो क्या फार्मूला हो जाएगा, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और मर्क्यूरिक क्लोराइड बोल दिया जाए तो HgCl2 हम उसका नामकरण करेंगे। पर जेनिक एसिड H4XeO6 को बोलते हैं, सारे हाइड्रोजन निकाल दूं तो जीनोन O6-4 पर जेनेट आयन बन जाएगा। H2XeO4 जेनिक एसिड जो है, और इसमें से आयन बना दूं तो जीनोन O4-2 और इसका आयन का नाम हो जाएगा जीनेट आयन। ठीक है, तो नेमिंग का ये जो लेक्चर है, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।